एकेडमी शुरू की है राजस्थान में। तो एक तो राजस्थान की बात, क्योंकि मेरी बहन वहाँ है, तो हम तो बड़े कंपटीशन में आ जाते हैं कि अगर राजस्थान में हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। और मैं उद्योग विभाग की मंत्री थी तब, तो मैंने कहा कि जहाँ अगर मैं उद्योग नहीं ला पा रही हूँ जगह जगह पे, तो कम से कम मैं कौशल विकास के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी बना सकती हूँ, और इनके माध्यम से ICICI एकेडमी के माध्यम से आपको मैं वहां पहुंचा सकती हूँ जो आज आपकी उम्मीद नहीं थी, और वही हुआ। और वही हुआ मिसेस कौशल, मैं आपको इतना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा तो DSYW डिपार्टमेंट का बहुत छोटा रोल है, सबसे बड़ा रोल तो आप लोगों का है सौरभ जी, आपकी फैकल्टी का है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से पिछले 2015 से लेकर 2017 तक ऐसे बच्चों को आपने निखार के अपने इंडिया में जगह जगह में आपने प्लेसमेंट दी है, वो हम लोग अपने डिपार्टमेंट से नहीं दे पाते। इसीलिए हमने सोचा कि हाथ बटाई के साथ हम, जहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां आप उसमें योगदान दे पाएंगे। और इतना अच्छा एकेडमी आपने शुरू किया है। पिछले बार भी मैं दीक्षांत समारोह में आई और मैंने महिलाओं की भी जो टीम देखी, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बेटियां हमारे सामने आज बैठी हैं इस समारोह में, मैं समझती हूँ कि मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से आज वो जॉन डियर की इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, और जॉन डियर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जॉन डियर को लाना और उनको इस्टेब्लिश करना हमारे उद्योग विभाग का बहुत बड़ा रोल रहा, और इसीलिए मैं अभी भी संपर्क करती हूँ उनके साथ। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल बारीकी तक जाते हैं, और आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है कि उनको ये जो प्रेज होता है ना, वो उनको पसंद नहीं। जब से माननीय मंत्री कौशल विकास के मंत्री बने, उस दिन से मैं उनके ऑफिस में फ़ोन करती रही कि मेरा एक छोटा सा अकेडमी है ICICI का, और आपको चीफ गेस्ट बनना है। और मुझे पता है कि उनके माइंड में घूम रहा होगा कि एकेडमी के लिए 400 बच्चे के लिए मैं आऊं, तो मुझे टाइम निकाल के आना है, क्योंकि मुझे समझना है कि ये सक्सेस स्टोरी कैसे हुई, ताकि हम इस सक्सेस स्टोरी को पूरे देश में रेप्लिकेट करें। मुझे पता था कि वो ही बात है जिससे वो डेट दे नहीं पाए। इतनी उम्मीद मुझे ये थी कि आएंगे और जरूर आएंगे। और इतनी, और मैं बताऊं कि मैं क्यों इतनी उत्साहित हूं कि आप दोनों हो एक मंच पे, क्योंकि दोनों व्यक्ति, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत पहले से जानती हूं, संगठन के थे, BJP के, युवा मोर्चा के, और उसके बाद संगठन के। जो व्यक्ति संगठन का बनता है ना, और जो BJP के संगठन का बनता है ना, वो डिसिप्लिन का बनता है, डिसिप्लिन उसके रोम रोम में रहती है, और वो हमेशा रखता है कि मेरी पार्टी पहले और फिर मैं, मेरी पार्टी पहले, मेरे देश के लिए जो पार्टी कर रही है वो मेरे आगे सामने, वो ही मुझे चला रहा है आज। और इसीलिए ये रोल मॉडल मंत्री हैं हमारे लिए। आप कभी भी उनको अप्रोच करो तो सरल मिजाज और हमेशा विनम्रता, ये आप अपनी लाइफ में प्लीज एक चीज ऐड करो, कि जैसे आज हमारा मैनेजर के रोल का, जॉन डियर का, कौन था वो,